जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट पर बोल रहे थे टर्मिनल लिंक वाला जो कि हाईवे अपडेट है उसका देने के लिए, तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप लोग से। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ पूरा हाईवे का व्यू। इसमें काफ़ी काम हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं जैसा कि, और पूरा अभी दिखाते हैं, काफ़ी काम हो गया 4 लाइन पे। और इस पे ये नया गेट मुझे लग रहा है बना रहे हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं हाईवे बिल्कुल लग रहा है कंप्लीट है। और बीच में ये कैरियरी बनाएंगे, इसलिए ये जगह छोड़ दिया बीच में, दोनों साइड इसे डामर पड़ गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि काफ़ी बढ़िया रोड बन गया है। और अब आगे चल के आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। आज तो दोस्तों पैदल पैदल आपको पूरा व्यू दिखाएंगे हाईवे तक, वो जो कि रामा देवी से प्रयागराज जाता है वहाँ तक पूरा आपको दिखाएंगे व्यू। दोस्तों ये बीच में कैरी, यहाँ पे पेड़ वेड़ हो सकता है लगाएंगे। और आगे चल के आपको दिखाते हैं पुलिया के पास। दोस्तों ये टर्मिनल ओपनिंग का कुछ कन्फर्म डेट मुझे फिर से नहीं पता चल रही है। और वैसे तो न्यू मतलब डेट आती रहती है, कोई कंफर्म डेट अभी तक मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद कहीं ना सन 2024 में ना ओपनिंग हो, तो अभी मुझे पता चला है। और यदि आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक आपको दिखाते हैं पुलिया के पास का व्यू। दोस्तों मैं पुलिया पे आ चुका हूँ। और दोस्तों जैसा कि टर्मिनल देखने में तो कंप्लीट ही है, इसमें छोटा छोटा काम बाकी है। बाकी इसका जो रनवे था, रनवे से लिंक हो गया है, वो भी सब लिंक हो गया। और बाकी बस छोटा छोटा इस पे काम बाकी है अभी, तो वही बाकी। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर पहले ये दीवार नहीं थी, अब तो दीवार भी ये लग खड़ी हो गई है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं इस पे क्या अपडेट है और पूरा आपको व्यू देखने मिलेगा। तो दोस्तों मुझे सुनने में आया शायद यहाँ से थोड़ा सा आगे से रिंग रोड निकालेंगे सीधा उन्नाव के लिए, हाईवे बनेगा शायद कुछ साल बाद, पहले टर्मिनल ओपनिंग हो ही जाए का सवाल आ रहा है। दोस्तों अब इधर देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छा हाईवे बना है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों आगे चल के आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इस पर। दोस्तों अब तो यहाँ काफ़ी प्यारा व्यू लगता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है, क्योंकि अब जो कि हाईवे है काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और जब इस पे पेड़ वेड़ लग जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। और वो देखो कपल बढ़िया उधर खड़े अपना आराम से। और दोस्तों आगे आपको चल के दिखाते हैं ये राशन से, देखो कितना मस्त लग रहा है शाम का व्यू। यहाँ तो दोस्तों बहुत लोग अभी तो घूमने आते हैं अभी, तो दोस्तों काफ़ी मुझे लग रहा है 1 महीने बाद हम आए यहाँ पे। काफ़ी प्यारा लग रहा है व्यू यहाँ का। यहाँ पे बगल में खेती वेती भी है, इसलिए और अच्छा लगता है। यहाँ पे सन्नाटा भी रहता है बढ़िया। भाई दूसरी पुलिया में आ चुके हैं, वहाँ से पूरा पैदल पैदल चलते चलते जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे चल के आपको पूरा व्यू वहाँ तक दिखाते हैं कैसा क्या इस पर। मुझे तो लग रहा है पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हाईवे है और ओपनिंग पता नहीं कब तक होगी। और इसका तो हाईवे बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में ये जो पाइप डाले गए हैं, ये इस पर बाद में वायर, इलेक्ट्रिक वायर डालेंगे, जिससे लाइट आइट लगाएंगे तो खम्भे पे। और आगे आपको चल के दिखाते हैं दोस्तों,
दोनों वे कंप्लीट है बिल्कुल। भाई साहब इधर काफ़ी प्यारा नज़ारा लग रहा है क्योंकि गेहूं की खेती है। मेरा कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है वरना दोस्तों काफ़ी प्यारा व्यू लगता है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं सीधा। हाँ एक बात और बता दूँ कि जैसा कि ये लोग सोच रहे हैं कि उन लोग की खेती होती है इधर, हमें लगता है ये लोग की, और मतलब प्लांटिंग भी इधर हो रही है, आप करवा दे रहे हैं अपने अपने खेतों में, मगर सोच रहे थे यहाँ पे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट या होटल खोलने के लिए इस हाईवे के किनारे, लेकिन एयरपोर्ट वाले यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री उठा देंगे, जैसा कि पता चला है कि बाउंड्री उठाएंगे इसके किनारे किनारे हो सकता है। और दोस्तों तो मतलब रेस्टोरेंट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो कि हाईवे के बिल्कुल किनारे जो कि वो वाला जो कि हाईवे है कानपुर से प्रयागराज वाला जो कि हाईवे है, मतलब रामा देवी से प्रयागराज वाला, उसके किनारे बस वही चलेंगे। और ये वाले इसमें क्योंकि डिवाइडर कोई बीच में कार रोक के नहीं जाएगा आपके रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं ना खोले तो ज़्यादा सही है। तो वैसे मुझे अभी पता चला है कि इस पर डिवाइडर लगा देंगे, मतलब जैसे कि होता है कि बाउंड्री खड़ी कर देंगे, तो होटल रेस्टोरेंट का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। तो चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं क्योंकि आगे काम चल रहा है मुझे लग रहा है। जैसा कि दोस्तों इधर वाली पुलिया देख रहे हो बिल्कुल बन चुकी है, तैयार है, यहाँ से पानी वानी भी निकल रहा है अपना। और दोस्तों आगे दिखाते हैं अब आपको, यहाँ तक तो आप बिल्कुल कंप्लीट थी रोड, और आगे चल के आपको दिखाते हैं इस पर काम चल रहा है अभी। ये हमें लग रहा है किनारे ही है, पिलर के लिए ये सब कर रहे हैं, और आगे चल के आपको दिखाते हैं गड्ढा करने वाली मशीन है, जैसा कि देख सकते हैं ट्रैक्टर में लगाई जाती है। और ये ऐसा ही पिलर उधर भी बनेगा, उस साइड देखो साँचे पड़े हैं, उधर भी है ऐसा ही, इस साइड के कंप्लीट है, उधर वाले बना रहे हैं, और आगे बिल्कुल आपको चल के दिखाते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे चल के आपको दिखाते हैं, ये देख रहा दोस्तों ये खम्भे पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरे लगाए जाएंगे इसी पे खम्भे पे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। ये देखो पूरा मटेरियल यहीं पे पड़ा है खम्भे वाला, और आगे तक पूरा आपको दिखाएंगे, वहाँ तक लास्ट तक पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वहीं पे आपको सीधा दिखाते हैं, अब यहाँ पे कुछ बचा है नहीं, कंप्लीट है सब, किनारे का देखते हैं चल के कैसा क्या है। यहाँ पे पूरा मतलब इन लोग का था स्टाफ जो कि ये लिंक हाईवे का जो भी लिए थे टेंडर, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। मेरी स्कूल फ्रेंड है क्या लग रहा है, पता नहीं कहूँ मैं, शायद वही है, बोलते नहीं थे ना दोस्तों, मेरी फ्रेंड ही थी वो अपने मम्मी मम्मी के साथ थी इसलिए वो नहीं बोली, वैसे ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा एटीट्यूड वाली ना इसीलिए नहीं बोलते हैं उससे। और आगे चल के आपको पूरा दिखाते हैं व्यू, जब तक ये टर्मिनल ओपनिंग नहीं हो रही तब तक इस वाले हाईवे पे अधिकतर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे लोग ज़्यादा आते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जा रहा था। तो दोस्तों अब लगभग रोड के किनारे पहुंच चुके हैं बिल्कुल, जहाँ पे रामा देवी वाला फ्लाईओवर डाउन हुआ है आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये रहा विद्या निकेतन स्कूल ये बगल में, और इसका यदि एग्जीबिशन ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। और दोस्तों यहाँ से रास्ता जुड़ा हुआ है
जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब तो यहाँ से पूरा बिल्कुल जोड़ दिया है, ये रामादेवी वाला फ्लाईओवर डाउन हुआ है चकेरी के थोड़ा सा आगे, मतलब विद्यानिकेतन स्कूल के जस्ट थोड़ा सा आगे। और दोस्तों ये सीधा चला गया प्रयागराज के लिए, और आगे जहाँ से दोस्तों आगे अम्बेडकर नगर पड़ता है वहाँ से सीधा लखनऊ रिंग रोड एक नया बना रहे हैं, जिसको भी नहीं पता है दोस्तों शायद पता ही होगा आप लोग को। और दोस्तों जैसे ही मैंने बता ही दिया, और दोस्तों ये भी उसका काम अभी से मुझे लग रहा है चालू हो गया है, नहीं हुआ है पता नहीं है। अभी आपको यदि वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो दिखाएंगे वहाँ का भी व्यू। और यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों।